चैप्टर नंबर 63। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि डेविड और एग्नेस की शादी हुए 10 साल हो गए हैं और अब उन दोनों के 3-3 बच्चे भी हैं। एक दिन वो लोग घर में आराम से बैठे हुए थे, तभी उनके घर पे कोई आया और वो कोई और नहीं मिस्टर डैन पैगेटी थे। मिस्टर डैन पैगेटी ऑस्ट्रेलिया से डेविड से और एग्नेस से मिलने के लिए आए हैं। मिस्टर डैन पैगेटी काफ़ी बूढ़े हो गए हैं लेकिन अभी भी वो बहुत ही तंदुरुस्त दिखते हैं, उनकी हेल्थ बहुत ही अच्छी है। वो इंग्लैंड में 1 महीने के लिए रुकने के लिए आए हैं, तो वो लोग वहाँ बैठते हैं तो मिस्टर डैन पैगेटी जो हैं डेविड को वहाँ की सारी बातें बताते हैं। वो बताते हैं कि वो और एमिली बहुत ही अच्छे हैं और मिस्टर डैन पैगेटी जो हैं अब खेती करके अपना गुजारा करते हैं और खेती में उन्हें बहुत ही पैसे होते हैं और उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। वो ये भी बताते हैं कि एमिली जो है अब बीमार लोगों की देखरेख करती है और उसे वो करने में बहुत ही अच्छा लगता है। मिस्टर डैन पैगेटी बताते हैं कि उन्हें हैम की मरने की खबर मिली थी और वो काफ़ी उदास हुए, लेकिन वो एमिली से ये बात छुपाना चाहते थे तो इसीलिए उन्होंने एमिली को नहीं बताया, लेकिन एमिली को ये बात पता चल गई। दरअसल एमिली जिन लोगों की देखरेख करती है ना बीमार लोगों के, तो उन्हीं में से एक बीमार आदमी जो इंग्लैंड से वहाँ गया था तो उसके पास एक न्यूज़पेपर था, तो उसी में एमिली ने पढ़ लिया था। उसे बहुत ही बुरा लगा लेकिन वो अपने आप को अब इम्प्रूव कर रही है और लोगों की मदद करके उसे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद डेविड जो है मिस्टर डैन पैगेटी से मार्था के बारे में पूछता है, आपको याद होगा मार्था इंडर। तो वो बताते हैं कि मार्था ने शादी कर ली है और जिस आदमी से शादी की है ना उसने, तो उस आदमी को मार्था के पास्ट के बारे में पता है लेकिन उससे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो बहुत ही खुश है उस इंसान के साथ। इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि एमिली के लिए भी शादी के बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं लेकिन एमिली शादी नहीं करना चाहती है, उन सभी प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया है। उसने अपने अंकल यानी मिस्टर डैन पैगेटी से कहा कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी क्योंकि वो ऐसे ही खुश है। इसके बाद डेविड मिस्टर डैन पैगेटी से मिसेस गमिज के बारे में पूछता है। मिस्टर डैन पैगेटी हंसते हैं और डेविड को बताते हैं कि मिसेस गमिज के लिए भी शादी का प्रस्ताव आया था और एक आदमी जब उनके पास गया ना कि आप मुझसे शादी करेंगी, तो मिसेस गमिज ने ना उस आदमी के ऊपर 1 बाल्टी पानी डाल दिया। और मिस्टर डैन पैगेटी बताते हैं कि मिसेस गमिज जो हैं अब बहुत ही अच्छे से बिहेव करती हैं और वो बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन गई है उनकी और वो अब किसी भी बात का कंप्लेन नहीं करती हैं और बहुत ही अच्छे से एमिली और उनका ध्यान रखती हैं। इसके बाद डेविड जो है मिस्टर मैकॉबर के बारे में मिस्टर डैन पैगेटी से पूछता है, तो मिस्टर डैन पैगेटी जो हैं अपने जेब से एक न्यूज़पेपर निकालते हैं और डेविड को दिखाते हैं। डेविड वो न्यूज़पेपर पढ़ता है और उससे पता चलता है कि मिस्टर मैकॉबर जो हैं अब एक मैजिस्ट्रेट बन गए हैं और उनके लिए उनके अचीवमेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी हुई थी और उस पार्टी में कॉलोनियल सैलम हाउस नाम के एक स्कूल के हेडमास्टर भी आए थे और वो हेडमास्टर कोई और नहीं मिस्टर मिल हैं। मिस्टर मिल आपको याद होंगे चैप्टर नंबर 7 में, आपको याद होगा कि सैलम हाउस में एक टीचर थे जो डेविड को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते थे लेकिन स्टीफोर्थ के कारण उन्हें मिस्टर क्रैकल ने स्कूल से निकाल दिया था। तो अब वो इंसान खुद ही एक हेडमास्टर बन गया है और उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी है। डेविड को ये जानकर बहुत ही खुशी हुई और मुझे भी बहुत ही खुशी हुई कि मिस्टर मिल जो हैं हेडमास्टर बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के एक स्कूल में। डेविड को ये जानकर बहुत ही खुश होती है और सबसे ज़्यादा खुशी डेविड को इस बात की है कि मिस्टर मैकॉबर जो हैं वो एक मैजिस्ट्रेट बन गए हैं और उन्होंने जितने भी कर्ज लिए हुए थे उन सब को उन्होंने चुका दिया है और उनका लाइफ जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है। ऑफ कोर्स अब बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। और उसी न्यूज़पेपर में डेविड देखता है कि मिस्टर मैकॉबर ने डेविड के नाम एक लेटर लिखा है और वो लेटर में मिस्टर मैकॉबर जो है डेविड को थैंक यू बोल रहे थे कि डेविड ने इतनी अच्छी बुक्स लिखी हैं जिसके वजह से सब कोई उसे पढ़ता है
और बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन वो दे रहा है सबको। और वो ये भी बताते हैं उस लेटर में कि वो डेविड के सारे जो भी बुक्स हैं वो खुद ही पढ़ते हैं, और वो डेविड को दिल से थैंक यू बोल रहे हैं हर चीज़ के लिए जो भी डेविड ने उनके लिए किया है उसके लिए। इसके बाद मिस्टर डैन पैगटी जो है डेविड के घर में एक महीने से थोड़ा कम टाइम बिताते हैं, लेकिन वो डेविड के साथ ही रहते हैं, और उनसे मिलने के लिए मिस बेट्सी और मिस पैगटी भी आती हैं। मिस्टर डैन पैगटी का टाइम आ जाता है ऑस्ट्रेलिया जाने का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले वो डेविड के साथ यारमाउथ जाते हैं जहाँ हैम का ग्रेवयार्ड है, यानी जहाँ हैम का कब्र है वहाँ पे, और वहाँ जाकर वो कब्र के पास का मिट्टी उठाते हैं और उसे रख लेते हैं, और वो कहते हैं कि ये मिट्टी जो है वो एमिली के लिए ले जा रहे हैं।